हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पार्ट वन में जो बांस दिखा चुके थे, आप लोगों का भर भर के कमेंट आने लगा, भाई भाई हमको पार्ट टू भी वीडियो बना दिखाइए, वो भी बांस दिखाइए कैसा है। आज मैं आप लोगों को वही बांस दिखाऊंगा। फर्स्ट डे बीजीएम तो हम आप लोग को दिखाए थे मोकला बांस, आज के बीजीएम हम दिखाएंगे जेफ्ठा बांस। वो बांस तो पतला था, ये जेफ्ठा बांस। मोकला बांस तो पतला होता है, जेफ्ठा बांस जो मोटा बांस होता है वो बताएंगे। उस वीडियो में हम आपको बताए थे कि मोकला बांस भी हो, जेफ्ठा बांस भी होता है, जो तभी मोकला बांस दिखाइए, आप जेफ्ठा बांस दिखाएंगे वो बांस कैसा होता है और कैसे उगता है। उगने का तो पड़ोसी सबका एक ही रंग होता है, जैसा सब जो भी बांस रहे उस सबका पड़ोसी एक ही तरह रहता है। जो मोकला जैसा उगता है वैसे ही जेफ्ठा भी उगता है। आज मैं बताऊंगा जेफ्ठा बांस कितना मोटा हो सकता है और कितना लंबा हो सकता है, जितना जेफ्ठा बांस नहीं हो सकता है। आप लोग प्लीज हमारे साथ बने रहें और चलिए और आप लोग को सब कुछ दिखाते हैं और अच्छा से। जेफ्ठा बांस दिखाने के बाद हम और अगली एक चीज़ दिखाएंगे, जो आप लोग उस चीज़ को नहीं देखे होंगे इससे पहले किसी के भी वीडियो में। कोई भी ऐसा ये सब चीज़ नहीं दिखाता होगा, हम ऐसा अच्छा अच्छा चीज़ दिखाते हैं। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में प्लीज शेयर करें। लीजिए और चले और आप लोग को दिखाते हैं, हमारे साथ बने रहें। लीजिए चलते हैं, चलिए और आपको हम दिखाते हैं। आइए यहाँ देखिए, ये भी जेफ्ठा बांस हुआ, देखिए कितना मोटा बांस है। और एक बांस दिखाते हैं जो जेफ्ठे कितना मोटा है। आप देख सकते हैं ये जेफ्ठा बांस है जो कितना ज़्यादा मोटा होता है। मोकला बांस तो इतना मोटा नहीं होता। जेफ्ठा बांस की खासियत ये है, आप इस बांस को ले जाके खुट्टा दे सकते हैं, जैसे जो आप लोग वहाँ दीवार देता पिलर देता, जैसे हम लोग टाट लगाते हैं ना, तो इसका खुट्टा दे सकते। ये खुट्टा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अब इस खुट्टा दे दीजिए 15-20 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही लगा रहता है। जैसे वो बांस का पड़ोसिंग है, लगाने को काट के जैसा जेर लगता है, इसको ये भी ये बांस वैसा ही लगता है जैसे वो बांस लगता है। बात एक ही है सबका, क्योंकि वो बांस जैसे थोड़ा आधा का उसका जेर लगता है, पूरा अगर काट दीजिएगा तो सूख जाएगा। यहाँ देखिए सबका एक ही पड़ोसिंग है, मतलब लगाने के लिए आप लोग देखें ये पूरा बीट है। यहाँ पर और भी चीज़ की गाछी आ रहा है, जैसे जलेबी गाछ हुआ, ये सब गाछ हुआ, आप लोग का पता है ये सब का नाम था होगा। यहाँ देखिए नदी में वो बांस था एक, वो पूरे झुक गया, इधर के उधर का पानी था वो कंट्रोल नहीं कर सका इसीलिए। आप लोग को हम बांस बारे में दिखा रहे थे, हमको और एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मिला है जो आप लोग इससे पहले नहीं देखे होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ एक नीम गाछी जिसका आप लोग मिसवाक करते होंगे, अभी तो उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है आपको, आपको हम दिखाते हैं अच्छा से। यहाँ देखिए अब अच्छा से कितना मस्त गाछी है, जो ये मेरा बांस का जो जहाँ पर लगाए थे वहाँ पर ये खुद ही उगा है। इसका बहुत बहुत लंबा गाछी है, यहाँ देखिए पूरा बहुत लंबा तक है ये गाछी। ये गाछी बहुत काम आता है, जैसे आपको मिसवाक करना हुआ तो इसका डंटी तोड़ लेते हैं, जैसे ये हुआ, ये अभी तो बहुत छोटा है, अभी ये बड़ा होगा ना इसे थोड़ा मोटा होता है, इसका मिसवाक भी कर लेते हैं, जैसे आपके बदन में खुजली हो रहा है ना उसके लिए भी ये काम बहुत ज़्यादा आता है। इसका आप 2-3 दिन इस नीम का जूस बना के पीजिए, जैसे आप शरबत पीते वैसे इसको भी पीस के जूस बना करके पीजिए, आपके 2-3 दिन में खुजली भी साफ़ हो जाएगा। आपको पता ही जब विश्वास नहीं हो रहा था एक बार ट्राई करके देखे, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, विश्वास नहीं हो रहा था अब एक बार ट्राई करके ज़रूर देखे। ये आपको और एक चीज़ दिखाते हैं जो हमारा ये अपना ही खेत में उगा है, चलिए और वहाँ पे पहुँच के दिखाते। जो आप देख रही है धान है, वो हम लोग का बीज लगाए थे, उसको रोपे थे तो बड़ा बड़ा हुआ है, उसको काट के अभी बोझा बन के दोनी करेंगे। आइए और चलिए आपको हम पास से दिखाते हैं कैसा है वो, आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए आप पास से, ये इसको धान कहते हैं जो इधर ये धान, इसी के लिए अभी पूरे रोपे हैं, अब इसको मशीन से दोनी करेंगे
अभी फिर ये अभी बांधे काट के से फिर बांधे हैं, बांध के अब इसको गोलियां आएंगे, नहीं पूरे खेत में खेड़ा हुआ है ये सबको गोलियां आएंगे, फिर मशीन से दोनी करेंगे, फिर नापेंगे कितना होता है। आप लोग देखिए, अब जब होगा अब एक एक और चीज एक एक और फसल लगाने वाले हैं, उसका भी हम वीडियो बना के दिखाएंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, इस वीडियो में भर भर कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें। आपको दिखाएंगे जो जो भुट्टा होता है उसका खेती करते हैं हम लोग, उसके भी बताएंगे उसका बीज कैसा होता है, उसको रोपते हैं कैसा और कैसे क्या क्या करते हैं, उसका क्या क्या प्रोसेसिंग होता है, ये सब बताएंगे हम आप लोगों को। हमारे साथ रहें, आई होप में हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में प्लीज़ शेयर करें। आप लोग के खातिर हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें। आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए देखने के लिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अब हम अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।